utterly shameless. इतनी गिरी हुई लड़की, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा फारिस से जमल को तलाक दिलवाने के लिए उसे इस तरह फंसवा सकती है। वो मेरे खुदा, ये लड़की तो कयामत की निशानी लगती है मुझे। अब फारिस को रास्ता लेना पड़ेगा, ना तो उस लड़की के साथ रहना चाहता है या मेरी बेटी के साथ। दोनों बेटी, ठीक किया ना मैंने? मुझे अब आपके फैसले से कोई इख्तलाफ नहीं है डैड, ना ही मुझे कोई दुख है। फारिस अगर अरीबा को चूज करते हैं तो मुझे तब भी कोई दुख नहीं होगा। मैं बस पूरे इत्मीनान के साथ फारिस से अपने रास्ते अलग कर लूंगी। बस यही हिम्मत मैं देखना चाहता हूँ तुमने जमन। मुझे यकीन फारिस तुम्हें ही चुनेगा क्योंकि तुम अरीबा से 1000 दर्जे बेहतर हो। 1000 नहीं मॉम, करोड़ों दर्जे। घर पर नहीं है। अरीबा से मिलने क्या? शायद नहीं, यकीनन वो अरीबा से मिलने गया। क्या चाहता है वो? पता नहीं, उसने कुछ बताया नहीं। इसका मतलब है अब मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। डैड नहीं माने। बात अगर सिर्फ उनकी होती तो मैं किसी तरह मना लेता, लेकिन अब बात बहुत खराब हो गई। क्या मतलब है बात खराब हो गई है? जमल के डैड ने शर्त रखी है, मुझे या तुम्हें या फिर जमल को चूज करना होगा। फिर तुमने क्या सोचा है? दीपा, मैं बुरी तरह फंस चुका हूं। जमल को चूज करता हूं तो तुम्हें छोड़ना पड़ता है, तुम्हें चूज करूंगा तो घर वाले छोड़ देते हैं। ओह, तो अब तुम जमल को चूज करने का सोच रहे हो? दीपा, मैंने ऐसा नहीं कहा। तुम्हारी बातों से तो ऐसा ही लग रहा है। दीपा, तुम हमेशा की तरह इस मसले का हल निकालने के बजाय मुझसे लड़ने शुरू हो गई हो। फारिस, तुम अपनी बातें तो चेक करो। तुम बोल इस टाइम कौन है? मैं देखता हूं। ये क्या है फारिस? मेरा सामान है, मुलाजिम छोड़कर गया। मुलाजिम छोड़कर गया? लेकिन क्यों? डैड ने मेरा सामान भिजवा दिया और साहब ने मैसेज भेजा कि मैं घर ना आऊं। ओह, तो अब वो तुम्हें इस तरह ब्लैकमेल कर रहे हैं। क्या मतलब है आपका? आप क्या कह रहे हैं? लेकिन मैं तो वही कर रहा हूं सर, जैसा मुझे करने को कहा गया। एक बार मुझे डैड से बात करने दें। आप जरूर बात करें, लेकिन आप अंदर नहीं जा सकते। और हाँ, उनका एक मैसेज और भी है, आप घर भी नहीं जा सकते। उठा रहे तो सर बताएं मैं क्या कर सकता हूं? मैं मजबूर हूं सर, सॉरी। उन्होंने मुझे घर और ऑफिस से निकाल दिया। तो फिर ठीक है ना, मत जाओ वहां पर, कोई जरूरत नहीं जाने की। तुम पागल हो गई हो। मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा तो हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे क्या मतलब? बिजनेस सेट करो ना अपना। बिजनेस सेट करना इतना आसान नहीं है रीवा, मेरे पास तो अभी कुछ है भी नहीं। फारिज, तुम ना हमेशा बुद्धू ही रहोगे। मुझे क्या पता था कि ये सब हो जाएगा। मैं तो सोच रहा था कि तुम और जमल। फारिज, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि उस लड़की का नाम मत लिया करो मेरे सामने। नहीं रहना मुझे उसके साथ। रीवा, अपने आप को संभालो। नहीं संभाल सकती, और दोबारा मेरे सामने उसका जिक्र मत करना। अच्छा, मैं नहीं करूंगा उसका जिक्र। तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ सोचता हूँ उसके बारे में। सादिया, सादिया, जिमी, मेरा दिल बड़ा घबरा रहा है। तो आप बेड से क्यों उठी? मुझे बुला लेती ना। तुम्हारे पास तुम्हारी खाला खतीजा का नंबर है ना? जी। उन्हें फोन करो, उन्हें अभी बुला लो। इस टाइम? अभी तो बहुत रात हो गई है। एक काम करती हूँ, सुबह बुला लेंगे या हम खुद चले जाते हैं। सुबह तक का वक्त नहीं है सादिया। ऐसा करो तुम मेरी फोन पे बात करो अभी, जल्दी करो। अच्छा, आप परेशान ना हो, मैं कराती हूँ। जल्दी करो। कुछ दिन ऐसे घर से बाहर रहेगा तो अकल ठिकाने आ जाएगी। पर खुदा की मैंने फारिज का ऑफिस में दाखिला भी बंद कर दिया। तो आपका ख्याल है कि इन रिस्ट्रिक्शन से वो राह रास्त पे आ जाएगा? नहीं। तो फिर? मैं अपने बेटे को तो नहीं जानता, लेकिन मैं इस लड़की अरीबा को अच्छे तरीके से पहचान गया हूँ। फारिस तो शायद इन हालात में गुजारा कर ले, लेकिन अरीबा नहीं करेगी। वो गरीब फारिस को ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तुम देखना। खाना खा ले, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। मुझे भी सख्त भूख लग रही है। अम्मी उठे। अम्मी, 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 मत रो मेरी बच्ची, चुप हो जाओ। कर जाओ, क्यों छोड़ के चली गई मुझे मेरी अम्मी? खुदा की अमानत थी, उसने वापस ले ली। मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था मेरे साथ ऐसा। क्या कह रही हो? आपने मेरी अम्मी का कत्ल किया, मारा है मेरी अम्मी को। आपकी वजह से मेरी अम्मी की मौत हुई है। आप सब लोग सुन रहे हैं ना, मेरी अम्मी की मौत इनकी वजह से हुई है, उनकी सगी बेटी की वजह से। सादिया जी क्या कह रही हो? सब सुन रहे हैं। ठीक कह रही हूँ मैं। आपने कत्ल किया है उनका, आपने कत्ल किया उनका। मैं अब इस तरह भी चुप नहीं करूंगी। मैं सबको बताऊंगी कि आपकी वजह से मेरी अम्मी की मौत हुई है। आपने मारा है उन्हें, अपनी नाफरमानियों की वजह से, अपनी हरकतों की वजह से आपने कत्ल किया मेरी मां का। सादिया, मैं तुम्हें कह रही हूं चुप कर जाओ। चले जाइए यहां से, मैं कहती हूं चले जाइए यहां से। तो पागल हो गई। चले कहाँ? घर चलते हैं। लेकिन गरीबा अभी सब यही है। हुआ क्या? सादिया का दिमाग खराब हो गया और अगर मैं मजीद यहाँ रुकी ना तो मेरा दिमाग भी खराब हो जाएगा। बस चले यहाँ। चलो। रोहान तुम कहाँ थे सुबह से? यार वो मैं राफेल के साथ सादिया के घर पे था। क्यों? अरीबा और सादिया की वालदा का इंतकाल हो गया। क्या? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? यार मैं बताना तो चाहता था मगर मॉम डैड ने मना कर दिया। उन्हें पता था अगर तुम्हें पता चलेगा तो तुम जरूर जाओगी और वो ये नहीं चाहते। की बात और है रोहान, तुम्हें तो मुझे बताना चाहिए था। अरीबा और सादिया तो बहुत रो रही होंगी। अरीबा को तो पता नहीं मगर सादिया काफी दुखी थी और उसने तो अरीबा को घर से भी निकाल दिया। क्या? लेकिन क्यों? क्योंकि उसे लगता है उसकी वालदा ने अरीबा की बहुत टेंशन ली थी। ये तो बहुत बुरा हुआ। शायद इसी तरह अरीबा को अपनी गलतियों का एहसास होना था। अरीबा को कभी अपनी गलतियों का एहसास नहीं होगा क्योंकि वो ऐसा साथ रखने वाली लड़की नहीं है। इसका मतलब कि अरीबा के अपने घर में भी उसके लिए जगह नहीं। खाना खा लो सादिया। भूख नहीं है खाना? कुछ तो खा लो मेरी जान। सादिया बेटा तुमने सबके सामने ऐसा क्यों बोला अरीबा के बारे में? सबको पता चल जाना चाहिए। बहुत पर्दापोशी कर ली मैंने भी और अम्मी ने भी, अरीबा भी थी। ऐसा नहीं कहते मेरे बेटा। हमें अम्मी की जान ले ली है खाला। कोई किसी की जान नहीं लेता बेटा, सबकी जान अल्लाह के हुक्म के मुंतजर होती है। कुछ लोग ऐसे ही करते हैं, दूसरों को मुसीबत में डाल के उनको मौत के मुंह में ढकेल देते। अरीबा भी ने किया। अच्छा भूल जाओ साथ। नहीं भूल सकती। पापी ने मेरे को इतनी टेंशन दी कि मेरी मौत से जा मिली। आप कुछ नहीं जानती खाला, इसके लिए बहुत कुछ हो चुके। सब जानती हूँ बेटा, मैं तुम लोगों से दूर जरूर थी लेकिन मुझे सब कुछ खबर और मैं हमेशा यही दुआ किया करती थी कि सब कुछ ठीक हो जाए। मम्मी ने भी बहुत दुआएं की लेकिन अरीबा भी ठीक नहीं हुई। जो होना होता है ना बेटा वो होकर ही रहता है। मैं कभी अरीबा आपी की शक्ल भी नहीं देखूंगी। ऐसा मत बोलो, अभी तुम गुस्से में हो। मेरा गुस्सा खत्म हो जाएगा लेकिन मैं अपने फैसले पे कायम रहूंगी। अच्छा सुने ना, मैंने आपको बहुत तंग किया है ना, बहुत परेशान किया है, आप मुझे माफ कर देंगे ना? अच्छा चल हट, ज्यादा ड्रामे ना कर। अपना मुंह ठीक कर, फारिस आता होगा। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, खुदा के लिए इस घर से चली जाओ, बल्कि इस घर से नहीं हमारी जिंदगियों से भी चली जाओ। खुदा के लिए हमें बख्श दो, भूल जाओ हमें, चली जाओ यहाँ से। क्या हुआ था हमारी को? सादिया ने क्या कहा? कुछ नहीं। फिर भी कुछ तो कहा होगा। भूल जाएं आप। मुझे तो लगा था कि तुम सादिया के पास कुछ तो ना होगी, भी, वो तो मेरे साथ रहने को तैयार ही नहीं है। कैसे रहूं उसके साथ? अम्मी की कातिल समझती है मुझे तो। सादिया से मिले थे आज? जी। तो उसकी अरीबा के हवाले से कोई बात हुई तुम्हारे से? नहीं। लेकिन मेरे सामने की है उसने, और मैं एक बार फिर शॉक हो गई। क्या? वो वहाँ पर सबके सामने अपनी बड़ी बहन के साथ लड़ रही थी और उसको अपनी माँ की कातला कह रही थी। वैसे अरीबा ने तलाक दिलाने की कोई बहुत ही घटिया प्लानिंग की थी। सादिया की वालदा ने शायद इसी बात की टेंशन ली है, तभी तो फारिस के घर वालों ने उसको अपने घर से बाहर निकाल दिया। अब पता नहीं वो कहाँ रह रही है अपने शौहर के साथ। वैसे राफिल, तुम जानते नहीं थे ये सब कुछ उसके बारे में? जानता था। वाह, और तुमने मुझे बताना मुनासिब ही नहीं समझा? क्योंकि मैंने सोचा कि आपको ये बात पता चलेगी तो आप फिर से हाइपर हो जाएंगी। मामा, हाइपर क्या होना है, मैं तो सरप्राइज हो गई हूँ। शी इज सो चीप। एक दो दिन में जाके बात करती हूँ सादिया से और उसकी खाला से भी। क्या बात करेंगे? मामा, मामा प्लीज। चलो बेटा, टैक्सी खड़ी। ये क्या है? नाश्ता कहाँ है? यही तो है नाश्ता। घर पे सारा सामान खत्म हो गया है। ऐसे मुंह क्यों बना रहे हो? मैं भी इसी पे गुजारा कर रही हूँ, तुम भी करो। वैसे मैं आज अम्मी के घर जाऊंगी। अब क्या करने? अम्मी के कुछ सेवरात थे, वही लेने जाऊंगी। सादिया देगी तुम्हें? क्यों नहीं देगी सादिया? अम्मी के थे वो, उन पर मेरा भी तो कुछ हक होगा ही ना। अच्छा ठीक है। अरे रुक क्यों गई? आ जाओ बेटा, अंदर आओ। ये तुम्हारा अपना घर है। मैं यहाँ नहीं रह सकती खाला। क्यों नहीं रह सकती? यहाँ अम्मी नहीं है, इसीलिए तो मैं यहाँ लाई हूँ। चलो अंदर आओ। आप सादिया की खाला हैं, आप मेरे लिए उतनी ही काबिल एहतराम है जितनी शबाना थी। लेकिन क्या? मुझे कुछ मुनासिब नहीं लगता कि मेरी होने वाली बहू किसी और के घर में रहे। ये किसी और का घर तो नहीं है, मैं सादिया की खाला हूँ। वो तो ठीक है, पर मैं जल्द से जल्द सादिया को अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। अभी शबाना को फौत हुए कितने दिन हुए? शबाना ने अपने आखिरी वक्त में मुझे कॉल की थी और उनकी ख्वाहिश थी कि सादिया और राफेल की शादी जल्द से जल्द की जाए। ठीक है, शबाना की ऐसी ही मर्जी थी तो मैं क्या कह सकती हूँ। अच्छा सादिया, तुम ही बताओ, जो आप मुनासिब समझे खाला। पर मुझे एक बात पर एतराज है। किस बात पर? अरीबा पर। अरीबा मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। कोई भी लड़की ऐसा करे यकीन नहीं आता। सादिया में और अरीबा में बहुत फर्क है। जी, इसलिए मैं सादिया को अपनी बहू बनाना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। कैसा वादा? तुम आज के बाद अपनी बहन से नहीं मिलोगी। यहाँ से रुखसत होने के बाद तुम्हारा हर ताल्लुक उसके साथ खत्म हो जाएगा। ये कैसी शर्त है? सादिया, तुमको ये शर्त मंजूर है? मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आज के बाद अरीबा आप ही से नहीं मिलूंगी। जमल बेटा, मेरी डॉक्टर से बात हुई थी, उन्होंने तुम्हारी कुछ मेडिसिन वगैरह चेंज किए हैं। ठीक है मॉम। देखो बेटा, आप अपना ख्याल रखो, अपनी सेहत का ख्याल करो, अपने होने वाले बच्चे के बारे में सोचो। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे अरीबा की वालदा का रूहान ने बताया, वैसे वो बहुत अच्छी औरत थी, अपनी बेटी की बदनामी का दुख नहीं सह सकी बेचारी। हाँ मॉम, आंटी तो बहुत अच्छी थी, बस अरीबा का ही दुख उन्हें खा गया। मुझे बहुत दुख है। सादिया तो बेचारी अकेली रह गई बिल्कुल। काश अरीबा ने सोच लिया होता कि उसके इस कदम से कितनी जिंदगियां खराब हो जाएंगी। छोड़ो बेटा, मैं उस लड़की के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहती। अल्लाह उसके साय से भी हमें महफूज रखे। हम, आपको पता है सादिया ने अरीबा को घर से निकाल दिया था। हाँ, मुझे रोहान ने बताया था। मैं सोच रही थी कि मुझे सादिया से जाकर मिलना चाहिए, आंटी की ताज़ियत करनी चाहिए। और आपको पता है सादिया की तो शादी भी तय हो गई है। इस वक्त पे मुझे उससे मिलना चाहिए, वो अरीबा से बहुत मुख्तलिफ है। काश मुझे एहसास हो जाता कि दोस्त किसे बनाना चाहिए। दोस्त बनाने में मुझसे बहुत गलती हो गई मॉम। बेटा, बस भूल जाओ पुरानी बातें, शुक्र करो कि उस लड़की का असल चेहरा नजर आ गया। जाओ, जरूर मिलो सादिया से, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। अच्छा बेटा, बड़े अजीब लोग हैं। कैसी अजीब शर्त लेकर आ गई। भला बहनों का रिश्ता भी कभी खत्म हुआ है? वो लोग अपनी जगह पर ठीक है खाला। क्या खाक ठीक है? जिन खानदानों में ऐसा ना हुआ हो ना, वो इस तरह की बातों पे हैरान नहीं होते, इसको गुनाह समझते हैं। वो तो उम्मीद थी जो अरीबा आपी की हरकतों की आदी हो चुकी थी। तुमने भी वादा कर लिया? मैं खुद भी अरीबा आपी से नहीं मिलना चाहती। आप बस शादी की तैयारियां करें। कुछ सेविंग है मेरे पास, मैं भी कुछ पैसे जोड़ के गई थी, और एक दो कमेटी। बस ये सब पैसे तुम अपने पास रखो, मैं खुद तुम्हारी शादी करूंगी और अपने हाथों से एक एक चीज खरीदूंगी। तुम फिक्र मत करो। लेकिन खाला। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, बस मैंने कह दिया, और खुर्रम को मैंने फोन कर दिया है, वो आ रहा है और तुम्हारी शादी बड़े अरमानों से वो करेगी। खुर्रम भाई भी आ रहे हैं? हाँ। मुझे लग रहा है कि फारिस का सामान वापस भिजवा कर और गाड़ी की चाबी मंगवा कर आपने कुछ अच्छा नहीं किया। क्यों? ऐसा क्या है जो मैंने अच्छा नहीं किया? देखिए, अगर आप ये समझ रहे हैं कि इस तरह से वो अरीबा को छोड़ देगा और हमारी बात मान लेगा, ऐसा नहीं हुआ। बस हमारा कुछ दिन और सबक, और देखती जाओ क्या होता। मैं तुमसे वादा करता हूँ, वो लड़की खुद फारिस से जान छुड़ाएगी। ये बात आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? क्यों? भूल गई? चेहरा पड़ना मुझ पे खत्म है। मुझे ये लगता है कि वो लड़की उससे बहुत मोहब्बत करती है। गलत, गलत। वो लड़की फारिस से मोहब्बत नहीं करती बल्कि फारिस की दौलत से मोहब्बत करती है, और जब उसी फारिस के पास दौलत नहीं रहेगी तो तुम देखना वो अपने ही फारिस से जान छुड़वाने के लिए रास्ते तलाश करेगी, और ऐसा ही होगा।